पूतना है ना मारे हवा कहाँ मारी पूतना पूतना है ना मारी मारे अच्छा तो मर जाओ एक चक्कर लगे मर गए वो आ रहा है वो आ रहा जैसे कि आपको आदरणीय गुरुजी ने माननीय प्रधान जी ने बताया, इस गांव का कार्यक्रम बुंदेलखंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है और इसमें चतुर्दशी से लेकर के आज तक दो दिन कार्यक्रम रात में भी और दिन में कार्यक्रम होता है और ये कार्यक्रम से एक हमारे गांव की समरसता एवं एकता प्रतीक भी ये कार्यक्रम में बना हुआ है। आपको वर्षों से इसका ये कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, उससे कार्यक्रम से कार्यक्रम में सामाजिक
संदेश देने का प्रयास होता है। पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों को प्रस्तुत करने का काम किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि तालाब में आज के दिन कंस लीला का प्रदर्शन है। गांव के ही कला, खास बात हमारे इस कार्यक्रम की रहती है कि हमारे जो भी कलाकार रहते हैं हमारे गांव के ही रहते हैं। गांव के कलाकार द्वारा इस कार्यक्रम को, इस सदियों पुरानी परंपरा को बनाए रखने का कार्यक्रम अभी जारी है। कार्यक्रम होता है आपके यहाँ? हमारे ग्राम पवई में झिझिया का कार्यक्रम जो अभी मार्सर ने बताया है, ये सदियों पुराना चला आ रहा है। और शरद पूर्णिमा का जो बताया था उन्होंने कि श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं का अवतार लेकर के और शरद पूर्णिमा के दिन मतलब नृत्य किया गोपताओं के साथ में और अमृत की वर्षा हुई। और जो झिझिया का कार्यक्रम हम करते हैं अपने गाँव में, ये गदरिया दाई और श्यामागढ़ बाबा शंकर जी और पार्वती के नाम से उनकी शादी का कार्यक्रम करते हैं। जब शादी के उपलक्ष्य में भी हम झिझिया कार्यक्रम करते हैं। इसका कार्यक्रम दिन में भी होता है तालाब में और रात में भी किया जाता है। और ये सदियों से ही हमारे गांव में चला रहा है झिझिया का कार्यक्रम। शुरू करें, ये झिझिया का जो पारंपरिक उत्सव है इसका इतिहास सदियों पुराना है। हमारे पूर्वजों की इसके पीछे बहुत बड़ी सोच रही है। शरद पूर्णिमा के दिन जैसा कि कहा गया है कि अमृत की वर्षा होती है, हमारे पूर्वजों ने इस अमृत वर्षा का स्वाद चखने के लिए शरद पूर्णिमा का दिन झिझिया के रूप में मनाने का निर्णय किया। ये शरद पूर्णिमा जो है विभिन्न लोक सांस्कृतिक प्रधानों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। इसके पीछे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सभी प्रकार के जो है कार्यक्रमों का समायोजन किया जाता है। और ये 100 साल से ऊपर का इसका इतिहास है। कहते हैं कि इसका जो है जो उद्भव है ये श्यामागौर बाबा और गुदरिया दाई के नाम से होता है। तो श्यामागौर बाबा का मतलब है शिव जी और गुदरिया दाई का अर्थ है पार्वती जी, अर्थात शिव और पार्वती के विवाह से इस कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। जो है दो तीन पीढ़ी चार से चल रहा है और इसमें जो है कंस लीला सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है यहाँ का, जिसमें कंस की सारी सेना माँ कृष्ण भगवान द्वारा मारी जाती है। और रात में भी कार्यक्रम होता है बड़ी झिझिया के नाम से, और 14 के दिन भी कार्यक्रम होता है छोटी झिझिया के नाम से। और एक में एक आइटम अच्छे सुंदर रामलीला के, कृष्ण लीला के सारे आइटम होते हैं। गांव में कब से कार्यक्रम कराया जा रहा है? गांव में कम से कम 3-4 पीढ़ी हो गई है। 100 साल से? हाँ, 100 साल से और ऊपर पुराना। हाँ,